ओ हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग। सो इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा आपके पर्सन की क्या कुछ है आपके लिए, टैरो कार्ड में देखेंगे, चेक करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो माय डियर गाइस व्यूवर्स, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है एंड उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ है, इस चीज को चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड में। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो डियर गाइस, एक चीज और बोलना चाहूंगी कि ये जो रीडिंग है वो आप सभी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो, मतलब आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों ही शादीशुदा हो, आप दोनों पति पत्नी हो, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, या फिर आप किसी भी एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हो, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी कार्ड जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर तो फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। फर्स्ट पहले सबसे पहले फाइव ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा डिटेल में जाएंगे ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर जो सिचुएशन समझ में आ रही है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। फर्स्ट कार्ड कुछ ऐसा कह रहा है, चलिए थोड़ा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा चेक करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और मैं भी आपको समझा पाऊंगी। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी दिख रही है और क्योंकि मुझे जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से थर्ड पार्टी तो दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन है ठीक है वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। सो मुझे ना यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही है इस वक्त काफी ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे जो कि पर्सन है ठीक है वो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है और उनकी ना झगड़े पड़े हुए हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, झगड़े हो रहे हैं उनकी लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब दिखाई दे रही है उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं किसी बात को लेकर। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में आए दिन झगड़े होते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी तो कुछ कार्ड ना मुझे और लेने दीजिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना जो सिचुएशन दिख रही है उस सिचुएशन में मैं आपको बोलूंगी कि आपका प्यार है आपका पर्सन और इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि आप किसी अच्छे रिश्ते को तोड़कर या किसी अच्छे पर्सन को छोड़कर आप किसी ऐसे इंसान का साथ पकड़ते हो या फिर किसी ऐसे इंसान की बातों में आते हो जो मतलब आपको सही तरीके से आपको गाइड भी नहीं कर रहा है और आपके प्यार से आपके रिश्ते से आपको दूर कर रहा है ना। तो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ आ ही जाती हैं है ना। तो अभी जो मुझे कार्ड में दिख रहा है ना डियर गाइस, आपके पर्सन की ना बेचैनी सी दिख रही है और फाइव ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये कह रहा है कि आपका जो थर्ड पार्टी है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में लगी हुई है आपके पर्सन को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में है और वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उसके कंट्रोल की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं या आप मिल नहीं पा रहे हो, आप दोनों का साथ छूट गया, आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं, आप दोनों के बीच में ना मतलब एक तरीके से डिस्टेंस को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अच्छा, ये जो डिस्टेंस मैं देख रही हूँ ना, तो ये डिस्टेंस आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो तब भी डिस्टेंस दिख रहा है, और अगर आप साथ काम करते हो या रोज उठते बैठते हो या आसपास के दायरे में रहते हो ना, तो भी ये डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके बीच में और इस डिस्टेंस की वजह से आपके पर्सन को अब ऐसा फील होने लगा है
कि शायद वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि पहले तो आपके पर्सन ने आपके साथ प्यार था, एक अच्छा रिश्ता था, एक अच्छी ऊर्जा थी आपके बीच में, है ना। बट ये थर्ड पार्टी ऑलमोस्ट जब से आई है इनकी लाइफ में, है ना, कहीं कहीं तो दिख रहा है कि रिसेंटली थर्ड पार्टी आई है, लगभग 5, 6, 7, 8 महीने से इनका चेंजेस हो गए, इनकी बातों में चेंजेस हो गए हैं, या फिर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में थी ही, लेकिन उस थर्ड पार्टी के साथ इनके रिश्ते ख़राब थे, ठीक है। बट अब जो सिचुएशन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है, साथ के साथ आपके पर्सन की इस बात को भी बता रही है कि आपका पर्सन तनाव में रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, खुलकर आपके साथ बात करना चाहते नहीं कर पाते हैं, और कंट्रोल की वजह से अभी शायद कार्ड के हिसाब से तो प्रॉपर ही दिख रहा है गाइस, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर अपनी मर्जी के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि ना इनके ऊपर थर्ड पार्टी का प्रेशर है, कंट्रोल है, ठीक है ना। तो जब किसी के ऊपर किसी का कंट्रोल या प्रेशर होता है तो फिर क्योंकि देखो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं, लेकिन बात हो नहीं पाती है प्रॉपर, क्योंकि एनर्जीज भी निगेटिव हैं, एनर्जीज भी बंधी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड ठीक है, आपके पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि उनसे गलती हुई है ना। तो यहाँ पर गलती को दिख रहा है, एंड ये पर्सन काफी उदास रहते हैं, अपनी लाइफ में खुश नहीं है, और द टावर का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। आपके साथ कुछ ऐसी चीजें भी दिख रही है जिसमें इन्होंने बहुत ड्रीम्स देखे थे, वो ड्रीम्स भी कहीं ना कहीं बीच में अधूरे छोड़ दिए, ये चीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, तनाव में दिख रहे हैं, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं वापस, ये चीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इनके और आपके बीच में कुछ नया होने वाला है, कुछ नया, कुछ भी न्यू चीज दिखाई दे रही है, कुछ न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, बातचीत हो सकता है, नई सिरे से स्टार्ट हो जाए आपके बीच में जो बातचीत रुकी है, अचानक से कॉल आ जाए, बात हो जाए, बहुत लंबे टाइम से बात नहीं हुई है। तो टावर का कार्ड है, तो टावर का कार्ड यहाँ पर इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, टावर के कार्ड के ऊपर ये कार्ड लिया है, तो नाइन ऑफ सोर्ड्स में है ये पर्सन, जो कि इनके दिल को देखकर, इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि हाँ अब ये कह रहे हैं कि इन्हें संभाल लो, है ना, क्योंकि इन्हें पता है अंदर से, ये जानते हैं इस चीज को कि एक आप ही हो जो इन्हें संभाल सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं संभाल सकता है, तो आपके ऊपर अटूट विश्वास है इनको, है ना, बिलीव बहुत है, और इसी बिलीव की वजह से ही ये रोते हैं, क्योंकि जब से इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ा है या ब्रेकअप कर लिया है या दूसरों से ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तब से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, और इग्नोर अभी आपको हो सकता है कि काफ़ी टाइम से कर रहे हो, और इग्नोर करने की वजह से आपका ध्यान नहीं रख पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, आपसे आप दोनों का कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इनके एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, परेशान रहते हैं, और 5 सोर्ड्स में है तो झगड़े बहुत हैं, क्योंकि जी आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ आप ये अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में इस स्थिति में जो मुझे स्थिति दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी स्थिति चेंज होने वाली है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एक नई ऊर्जा, एक नया संदेश ईश्वर की तरफ से बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स आपको इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों के बीच में अभी इस वक्त जो ऊर्जा रुकी हुई है, जिसकी वजह से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या जो रिलेशनशिप आपके पर्सन ने तोड़ दिया है, ये परिस्थितियां अचानक से आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले कुछ समय, कुछ टाइम आपके लिए ऐसा हो सकता है जिस टाइम में, जिस समय में आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस को महसूस करें, है ना, जो साथी या जो पर्सन आपको पूरी तरीके से जिसने भुला दिया है, या जिस परिस्थितियों में आज आप हैं,
ठीक है ना, वो चेंज होती हुई भी दिखाई दे रही है। कोई एंजल साइन आपको जरूर प्राप्त हो रहा होगा इस दौरान। इस टाइम ऑफ पीरियड में कुछ ऐसी चीजें आपके साथ जरूर हो रही होंगी जिसमें आपको पल पल ये महसूस हो रहा होगा कि आपका पार्टनर या आपका पर्सन जो है वो आपको मिस कर रहा है, और बहुत ही ज्यादा उसकी एनर्जीज आपको भावनात्मक रूप से अंदर से होता है ना दिल दुखा देने वाली, या इमोशनल आप उसको बोल सकते हो, वो चीज महसूस हो रही है। देखिए गाइज, एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि आपका पर्सन जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पर्सन आपको लव बहुत करते हैं। उनकी एनर्जीज में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आज तक आई या जो नकारात्मक ऊर्जा आपने उनकी महसूस की, ठीक है, वो तंत्र मंत्र की विद्याओं के द्वारा हो सकता है, जो कि पूरे तरीके से उनके माइंड को चेंज कर दिया, मिसगाइडेंस बहुत ज्यादा किया गया जिसकी वजह से उनके और आपके बीच में इतना डिस्टेंस आ गया। बट आज आपके पर्सन उस डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत जो कि इस वक्त रुकी पड़ी है, जो सिचुएशन रुकी पड़ी है आप दोनों के बीच में, वो यहाँ पर स्टार्ट होते हुए भी दिखाई दे रही है। तो फोर ऑफ वैंड से कोई शुभ समाचार शादी से रिलेटेड हो सकता है, हो सकता है कि आप दोनों पति पत्नी हो या फिर आपका कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप शादी करना चाहते हो, और मैरिड कपल की तरह भी हो सकता है कि आपका रिश्ता हो, एक मैरिड कपल की तरह आप दोनों एक साथ रहते हो, एक लंबे टाइम तक आपने मैरिड कपल की तरह आप रहे हो। तो इस ऊर्जा में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, और जो पर्सन है ना, जो पर्सन थर्ड पार्टी में जा चुके हैं वो थर्ड पर्सन पूरी तरीके से यहाँ पर वापस आने का योग दिख रहा है। सब कुछ छोड़कर आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे वापस, ऐसा दिख रहा है। कुछ संदेश लेना चाहूंगी, तो जिनकी शादी की उम्मीद है या जो शादी करना चाहते हैं या फिर शादी में रुकावटें बहुत लंबे समय से आ रही हैं, तो जल्दी ही शादी होने की ऊर्जा दिखाई दे रही है। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके द्वार पर प्रवेश कर रही है, एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी जिंदगी को बदल रही है। ये सकारात्मक ऊर्जा आपकी लाइफ में उम्मीदें भरेगी, उमंग भरेगी, और ये सकारात्मक ऊर्जा आपको आपके पर्सन से हमेशा हमेशा के लिए मिला देगी। ये सकारात्मक ऊर्जा जब आपके भीतर प्रवेश करेगी तो आपकी जिंदगी के नए रास्ते खुलेंगे, एक न्यू बिगनिंग के साथ आपकी जिंदगी आगे तक जाएगी। यहाँ पर ये ऊर्जा इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। कहीं कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि खुद के ऊपर विश्वास आप खोते जा रहे हो, है ना, तो कुछ चीज ऐसी हो सकती है जिसमें दिन पर दिन आपको बिलीव विश्वास कम होता जा रहा है, हर किसी चीज पर आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है, माइंड में एकदम स्ट्रेस हो रहा है, किसी भी चीज को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हो। तो अगर ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हो तो ईश्वर का संदेश है आपके लिए कि स्वयं पर विश्वास रखो, स्वयं पर बिलीव करो, क्योंकि जो पर्सन आज तुम्हें छोड़कर गया है या जो साथी तुम्हें तोड़कर गया है, रिश्ते को तोड़कर गया है, वो पर्सन खुद आज तुम्हारे बिना तड़प रहा है, खुद आज तुम्हारे बिना अकेला हो चुका है, ठीक है। वो पर्सन सब छोड़कर, सारे रिश्ते थर्ड पार्टी के तोड़कर आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी ब्लेसिंग, एक गुड ब्लेसिंग यूनिवर्स की साइड से, यूनिवर्स की तरफ से आपके मार्ग पर आ रही है, जिसमें आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही है। ये कार्ड एंजल ने आपके पर्सन के लिए की तरफ से आपको दिया है, ये एंजल आपको गाइड कर रही है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ना चाहते हुए भी हमारे सामने आ ही जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पर्सन करते हैं, ठीक है, तो उस मैनिफेस्ट में भी आपको लगता होगा कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंजल आपको वही संदेश देना चाहती है कि आपके पर्सन दिन रात आपके लिए तड़प रहे हैं, उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। इतना कुछ होने के बाद, थर्ड पार्टी के इतने इन्वॉल्व होने के बाद भी आज आपका पर्सन आपके लिए तड़प रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। आपका पर्सन अकेले में रोता है, दिन रात रोता है ना, वो आपकी तस्वीरें देखता है, उसे आपके ख्याल आते हैं, वो जो समय आपने साथ में बिताया उस समय को याद कर वो मायूस हो जाता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है जिससे आप दोनों के बीच के जो रास्ते थे
वो पूरी तरीके से बिखर गए, टूट गए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के कार्ड को देखकर, उनकी साइट से जो एक अच्छा कार्ड आया हुआ है, एक अच्छी गुड न्यूज़ आई है, उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी। वो पहले वाला प्यार, वो पहले वाली खुशियाँ आपकी वापस लौट आएंगी। ठीक है, एक सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया हुआ है, एक बदलाव को आप अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हो इस वक्त। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लंबे टाइम से आपको स्ट्रेस दे रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिश्ते में आपको बहुत ही ज़्यादा उलझन दे रही हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ कहीं कहीं कि जब से आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, आपकी ज़िंदगी बदली है, बहुत चेंज हुई है आपकी लाइफ, है ना। बट आज पिछले कुछ 6 महीने से 7 महीने से आपकी ज़िंदगी एकदम से बिल्कुल बदल गई है ना। आपकी ज़िंदगी में इतने ज़बरदस्त चेंज आए हैं कि एक के बाद एक बदलाव आप महसूस कर रहे हो। ठीक है, मैं आपके पार्टनर का ये कार्ड दोबारा से लेती हूँ क्योंकि मुझे इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज आप दोनों सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से एक नहीं हो पा रहे हो, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे आपके पर्सन के प्यार में उसकी जो ये उदासी है ना, इस उदासी में सच्चाई नज़र आ रही है, ट्रूनेस नज़र आ रही है। ये जो उदासी है ना, जो वो हो सकता है कि आपके साथ इतनी शेयर ना करता हो, है ना, लेकिन वो अकेले में रो देता है, वो ये उदासी ये कह रही है कि वो ट्रू है। अब जो वो फीलिंग्स है उसकी, वो बिल्कुल ट्रू है आपके लिए, है ना। और दूसरा, आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन ने आपके प्यार को समझा, वो आपके साथ अपने रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता है, वो चाहता है कि वापस से आपके साथ जो रिश्ता है वो उसकी एक नई शुरुआत हो। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं। ये बदलाव कहीं ना कहीं हो सकता है किसी कार्मिक की वजह से आए हो, आपकी लाइफ में किसी कार्मिक की एंट्री हुई हो। अगर ऐसी सिचुएशन है गाइस, तो आपको ज़रूर इस चीज़ को चेक करवाना चाहिए कि आपके लाइफ में आपके रिलेशनशिप की जर्नी कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जर्नी कुछ महीनों की हो, कुछ सालों की हो, क्या पता ये जर्नी पूरी ज़िंदगी की हो, पूरी ज़िंदगी आप इस जर्नी में रहो, आपका फ्यूचर हो, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की जर्नी कुछ ही महीनों की हो और आप इस महीनों में बहुत परेशान हो रहे हो, है ना। समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता है कि जो सामने वाला है या जो कार्मिक है उसकी जर्नी कितनी है। अगर ये पता चल जाए कि उसकी जर्नी कितनी है, तो एक दिल में ठंडक आ जाती है ना कि हाँ भाई चलो 3 महीने बाद 6 महीने बाद, या अलग अलग हो सकता है कि आपकी एनर्जीज अलग अलग है, तो 4 महीने बाद ये थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी। जब जाएगी ही जाएगी तो हमें ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी लाइफ में एक बदलाव लेकर आना चाहिए ताकि जो फ्यूचर आपने और उन्होंने साथ में देखा है ना, वो फ्यूचर को सकारात्मक आप कर सको। तो यहाँ पर मुझे कार्मिक रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में दिख रहा है, और ये कार्मिक रिलेशनशिप ही आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। बट मुझे आपके कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जीज, उनकी जर्नी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। इस जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द कार्मिक जो है वो जाने वाला है, और ये कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ से जैसे ही जाएगा पूरी तरीके से, वैसे ही आप दोनों का जो मिलन है, जो एनर्जीज जो रुकी पड़ी है, जो एनर्जीज वो फ्लो में आ जाएगी। आप बहुत अधिक अगर इस चीज़ पर डिटेल में जानना चाहते हो, कार्मिक जर्नी और आपकी सोल रिलेशनशिप की जर्नी, कितनी यात्रा ईश्वर ने आपकी लिखी है इस जर्नी में, आपके प्रेम पर्सन के साथ, आपके विवाह जिसके साथ हुआ है, या फिर आपका लव पर्ड है, लव पर्सन है, उनके साथ कितनी जर्नी है, क्या जर्नी है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट में पूछ सकते हैं, डिटेल में पूछ सकते हैं कोई भी रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिज के लिए। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। आपको अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं खुद चेक करूंगी आपकी जर्नी, आपका रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कब तक लौट कर आएंगे आपके पर्सन पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में, कब कुछ होगा, इन सारी ही चीज़ों को मैं बताऊंगी आपको डिटेल के साथ। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पर, और जो मैं पॉइंट देख रही हूँ इस पॉइंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में आपका जो साथी है, जो आपका पर्सन है,
वो लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ब्यूटीफुल जर्नी है आप दोनों की, मुझे लग रहा है कोई डिवाइन कनेक्शन है आपके बीच में, कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोल मेट हो सकते हो, कोई डिवाइन सोल आप हो सकते हो। लेकिन मुझे ना आज आपके जो रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी दिख रही है ना गाइज, वो थर्ड पार्टी मुझे कार्मिक दिख रही है, और इस कार्मिक रिलेशनशिप की जर्नी आपके रिश्ते में ज्यादा नहीं है। ये कार्मिक जैसे ही प्रॉपर तरीके से आपके रिलेशनशिप से जाएगा, आपके पर्सन खुद ब खुद कॉल करेंगे और खुद ब खुद उनके साथ आपका रिश्ता जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो मैं कुछ राशियां ले लेती हूँ कि मुझे कुछ राशियां दिखाई दे रही हैं, नेक्स्ट राशि के बाद मैं इस एनर्जीज को दोबारा से चेक करूंगी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो राशियां मुझे जो दिख रही हैं, वृश्चिक दिख रही है, सबसे पहले मीन दिख रही है, कुंभ कन्या दिख रही है, लिब्रा, तुला, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन के साथ एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। पूरी तरीके से जो रिलेशनशिप आपका टूट चुका है, उस रिलेशनशिप में एक न्यू ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, तो इसीलिए आप एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पा रहे हो। अगर आपकी जर्नी थोड़ी होती ना गाइस, थोड़ी सी जर्नी होती, तो आप कब के अलग हो चुके होते। लेकिन आज आप अलग होने के बाद भी एक दूसरे के लिए सोचते हो, है ना, एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे के बारे में आपके दिलो दिमाग में हर वक्त रहता है। इसका मतलब आप इसकी ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी बहुत आगे जाएगी, इस जर्नी का फ्यूचर है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ, कितना कनेक्ट किया है इस रीडिंग ने आपको जरूर बताना है। अपना ध्यान रखनी है एंड टेक केयर, बाय बाय।